हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं दिखाना चाहता हूँ कि लंच बॉक्स से मैंने ऑर्डर किया है और ये आइटम है डबल ऑमलेट विथ मसाला ब्रेड। तो देखते हैं इसकी पैकिंग कैसी है। ये रोहिणी में है, ये आउटलेट और स्विगी पे अवेलेबल है। सो बेसिकली मेरे ख्याल से दिल्ली के लिए ही ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, और मे बी जो देखना चाहता है कि डबल ऑमलेट विद मसाला ब्रेड कैसा दिखता है उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो इसकी ये पैकिंग है, इसमें मैंने गुलाब जामुन भी मंगवाए थे, तो ये 3 गुलाब जामुन आए हैं क्योंकि वो कुछ ऑफर था तो उसमें मैंने मंगवा लिए। तो ये साइज़ आप देख सकते हैं, इस तरह का साइज़ है ये, 24 रुपये का एक कह रहे हैं, बट पहले से ही रेट इतने बढ़ा रखे हैं ताकि वो उससे बैलेंस हो जाए कूपन से। तो ये मेरे ख्याल से टिश्यू पेपर और एक स्पून है इसमें, थोड़ा चिपचिपा हो गया सब कुछ। और ये देखिए काफ़ी अच्छा पैकिंग है, ये इसमें कुछ बारकोड लिखा हुआ है और ये ईट श्योर के कुछ पॉइंट्स है, मेरे को भी इसके बारे में पता नहीं है, तो कुछ बेनिफिशियल लगेगा तो मैं इसकी भी वीडियो बना दूँगा। और बाकी इसके अंदर देख लेते हैं एक बारी क्या है। इसमें कह रहा था कि डबल ब्रेड ऑमलेट है ये, पर शायद ये दो ब्रेड है और ऑमलेट एक ही था, मुझे लगा कि कुछ और था। बट ये देखिए अमूल का पूरी टिक्की दे दी है इन्होंने, मेरे ख्याल से 25 ग्राम होगी, और एक सॉस है। तो ये इस तरह की पैकिंग है, बिल देते हैं ये। सो जो भी सोच रहे हो कि बिल आएगा नहीं आएगा, तो इसके साथ बिल आ जाता है, और ये बहुत ही क्यूट पैकिंग है। बाकी बाद में बताऊंगा टेस्ट कैसा लगा। चलो मैंने खाना शुरू कर दिया है। इसमें ये बेसिकली कुलचा ही है, डबल ब्रेड का सीन ही नहीं था, तो कुलचा विद ऑमलेट है, ठीक लग रहा है। पर ऑमलेट की क्वांटिटी मेरे ख्याल 2 एग की थी, तो अगर आप डबल से कंफ्यूज ना हो जाना, स्विगी से ही ऑर्डर किया है। बाकी टेस्ट सही है, हाइजीनिक लग रहा है, मसाला थोड़ा ज़्यादा है ऑमलेट में, बट वैल्यू फॉर मनी मैं कहूँगा, क्योंकि अराउंड 85 रुपीज़ में, करीब 85 रुपीज़ में मेरे को ये कुलचा विद ऑमलेट और प्लस 3 गुलाब जामुन मिल गए। 60% का कूपन था और उसमें अराउंड 120 रुपीज़ तक आप ऑफ ले सकते थे, तो ये मेरे को इतने रुपये का ही पड़ा। तो अंडर 100 रुपीज़ अगर आप सोचो कि कुलचा विद ऑमलेट आपको मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से नॉट ए बैड डील। पर वही है कि नाइट में कुलचा खाना कितना हाइजीनिक है इसमें या हेल्दी है, ये तो इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर ठीक है, जीप चटोरी है तो आप जा सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस हो, कमेंट हो, तो प्लीज़ करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। बाय।